हाँ थ्री थ्री पढ़ा रहे थे ना, थर्टीन थ्री तो थर्टीन अपोजिट लिखिएगा, स्टार्ट करिए। ये पढ़ा है बेसिक टेंस है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस एक्टिव हो गया ठीक है, प्लस वी टू सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस एक्टिव हो गया। और इसका जो आईडी होगा वो क्या होगा, का था, उसके बाद ली थी, उसके बाद ते थे, या गया, गई और गए, लिखेगा ताथा तिथि ते थे या गया गई गए, ताथा तिथि ते थे या गया गई गए, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, आईडी हो जाएगा ताथा तिथि ते थे या गया गई गए, ताथा तिथि ते थे या गया गई गए, ये है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि वह अंग्रेजी सीखा, वह अंग्रेजी सीखा, क्लियर है ना, सब्जेक्ट कौन है बताइए, वह, क्लियर है, तो ही लर्न नहीं होगा, ये लर्न होगा, नहीं वी टू लर्न होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, लिखेगा ही लर्न इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी सीखा, ही लर्न इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी सीखा, वह अंग्रेजी नहीं सीखा, देखिए वी टू है क्या होगा, हाँ डीड होगा ना, तो ये डिडन, और यहाँ देखिए वी टू हो गया, ये लर्न नहीं होगा, क्या होगा लर्न, क्योंकि दो वी टू एक क्या नहीं रहेगा, वी डिडंट लर्न इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी नहीं सीखा। उसके बाद डीड, डीड ही लर्न इंग्लिश, डीड ही लर्न इंग्लिश यानी क्या वह अंग्रेजी सीखा, डिडंट ही लर्न इंग्लिश क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखा, हो गया हो गया हो गया, बोलकर पढ़िए तो आप बोलिए, मैं दिल्ली गया, बोलिए आई वेंट टू क्या, दिल्ली, मैं सोया, मैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता, भारत जीता तो आई वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच ना, इंडिया वॉन द मैच किसके खिलाफ, अगेंस्ट पाकिस्तान, समझ में आ गया, ध्यान है तब तुम्हारा, हमको उल्टा बोल रहा, समझ में आया, ये वीडियो सबको समझ में आ गया, एक चीज याद रखिएगा, इसका आईडी क्या होता है, ताथा तिथि और थे, या गया गई गए, बोलिए मैं जाता हूँ जल्दी, आई गो, आई गो, मैं गया, आई वे, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेला, आई प्ले, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं सोया, आई स्लीप, आई स्लीप, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, और मैं पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, एक चीज याद रखिएगा, ये डीड के बाद जो यहाँ आ रहा है ये भार बार है कि नाउन आ रहा है, भार बार है, भार बार है ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखना है, अरे क्लियर है, जैसे मैं लिखिए स्टार्ट करिए तो लिखेगा, द टीचर टोल्ड मी दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट स्लैश, 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 सी डजंट वर्क हार्ड, सी डजंट वर्क हार्ड इन द करियर, क्लियर है, स्लैश करिए, नो एरर्स कर दीजिए, इसमें गलत है ना, यस सर, क्या गलत है,
डजंट नहीं होगा, यहाँ डजंट के जगह डिडंट होगा, क्लियर है? याद रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, लिखेगा लिखेगा द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज said that he didn't fill in the blanks, in that matter, clear है? Option A लिखेगा advice, ADVI AC, ऑप्शन बी लिखेगा एडवाइस, ADVICE, ऑप्शन सी लिखेगा ADVICE, और ऑप्शन डी लिखेगा ADVICED। लिखिए सर बराबर से ये लिए, और आप सोचिए कि आपको चकमा देगा क्या, यहाँ से चकमा देगा आपको एग्जाम में, ठीक है? बी होगा, हाँ बी होगा, बी होगा ना, बी क्यों का बिना, क्योंकि डीडन के बाद सारा भीवन आएगा, भीवन आएगा, तो ए डी बी आई सी ये नाउन है, और ए डी बी आई ए सी ये क्या है? आप बताइए डीड के बाद नाउन चाहिए कि भाग चाहिए, तो सी होगा कि ए सी होगा? ए सी होगा पक्का, ये होगा, अरे पता ना, चलिए समझ में आ गया। यस सर, ए डी बी आई सी की ए डी बी आई ए सी, ए डी बी आई ए सी, ए डी बी आई ए सी, अरे जिसमें ए सी होता है वो भाग होता है और सी होता है वो नाउन, नाउन होगा, क्लियर है? याद रहेगा, हाँ सर, हाँ ये रहता कि गिव मी एडवाइस, तब क्या लगता? सी लगता, ये वाला वो वाला सी वाला, अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ नाउन चाहिए ना? यस सर, अरे यहाँ नाउन चाहिए ना, तो नाउन चाहिए तो क्या लगेगा? सी, और भार चाहिए तो एसी, क्लियर है बेटा? यानी एडवाइस, क्लियर है? एक चीज याद रखना है कि जब भी डीड के बाद आएगा तो नाउन नहीं क्या आएगा, भार आएगा, लिखेगा एक और क्वेश्चन लिखेगा सी डिडंट She didn't fill in the blanks. The confidence. She didn't fill in the blanks. The confidence concerning the matter. She didn't fill in the blanks concerning the matter. She didn't fill in the blanks concerning the matter. She didn't fill in the blanks concerning the matter. Option A लिखेगा ADVI. ना 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 सी डिडंट है ना, ऑप्शन ए लिखेगा लूज एलो ए सी, ऑप्शन बी लिखेगा लॉस्ट एलो एस टी, ऑप्शन सी लिखेगा लूज एल डबल ओ ए सी, ऑप्शन डी लिखेगा नन ऑफ दिस, None of this। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम सोचना है बेटा, बोलिए। Lost होगा ना अभी, ये ना? नहीं वो नहीं होगा। Lose होगा सर। B नहीं होगा सर। B नहीं, C होगा सर। ये बोलते हैं C बोलते हैं। Fine.
बी उड़ी तो कट जाएगा लेकिन नहीं ए डब्लू एस सी होगा सर ये वाला होगा ना हाँ ये होता है लॉस होता हाँ नहीं लॉस और ये होता है लॉस और ये होता है लॉस लॉस है ये वी वन है ये वी टू है ये वी थ्री है अरे क्लियर है यानी बाहर भी ये है ये नाउन है क्लियर है अर्थात आंसर ये होगा तुमने गलत हो कर समझ गए ठीक है आराम से लिखो समझ गए बात को ये लॉस ये क्या है वर्ब है और ये वाला अरे वर्ब है ना v1 v2 v3 हां जी और ये नाउन है तो ये वाला होगा नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए और नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए चलिए काम करते हैं क्लियर है आप बताइए डेट के बाद क्या आएगा अरे फिर यार अपने सीखो यार उसको मत एडवाइस दो ले दे के गोल कर दोगे कंपटीशन इंग्लिश में कुछ नहीं बुझाता है बस ये लेकर चलो अंग्रेजी बोलना नहीं है समझ में आ गया क्या बोले कि अरे क्लियर है क्या बोले हैं डेट के बाद नाउन आएगा कि वर्ब है अच्छा वर्ब चाहिए वर्ब होगा और नाउन चाहिए नाउन क्लियर है तो आप बोलिए मैं गया क्या बोलेंगे आई वे मैं सोया आई स्ले क्लियर है अब इसका एनिमी ऐसा नाउन वर्ब का खेल होगा दूसरा नंबर कि ये सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है और ये वाला क्या है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का क्या मालूम तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट क्लियर है इसका आईडी क्या है ताथा इसका आईडी ता था उसके बाद ती थी और क्या दे थे क्लियर है या गया गई और गए क्लियर है इसका आईडी क्या होगा ताथा ती थी दे थे या गया गई गए और इसका आईडी चुका था चुकी थी और क्या चुके थे या गया था गई थी गए थे लिखिए सर थोड़ा जल्दी चलाइए कलम काथा दी थी ते थे या गया था गई थी गए थे और उसका आईडी चुका था चुकी थी चुके थे या गया था गई थी गए थे ताथा तिथि ते थे या गया गई गए ये वाला लिखिए ना कौन सा गया हो गया हुआ कि नहीं बोलिए इसका आईडी क्या है बेटा ताथा तिथि ते थे और ये गया गई गए या ये वाला चुका था चुकी थी चुके थे या गया था गई थी गए थे क्लियर है याद रहेगा अब ये समझना है कि ये क्या है प्रेजेंट है कि पास्ट है पास्ट है लिखेगा नोट वन लिखेगा इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं स्पीड में चलो तो जल्दी जल्दी खत्म करिए तो लिखेगा इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट जी सर बाया साइड लिखिए दम पे जल्दी लिखेगा इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि 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 इसमें हैव और हैज का पार्ट हैड नहीं है क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट हैड नहीं है इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हैव तथा हैज का पार्ट हैड नहीं है क्योंकि इसमें हैव तथा हैज का पार्ट हैड नहीं है अर्थात 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 v2 अपने आप में अर्थात v2 अपने आप में पास्ट भी है तथा इम्परफेक्ट भी अर्थात v2 अपने आप में पास्ट भी है तथा इम्परफेक्ट भी अर्थात v2 अपने आप में पास्ट भी है तथा इम्परफेक्ट भी हो गया बोलिए क्या है ये प्रेजेंट है कि पास्ट है पास्ट है परफेक्ट टेंस कब होता बेटा जब इसमें हैव और हैज का पार्ट होता है क्लियर है ना यानी इसको हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड क्या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बिकॉज़ दिस टेंस
doesn't have the part of क्या have और क्या has means क्या had. So I can say that V2 it also called past plus क्या imperfect. अरे clear है ये side लिखिएगा. जबकि इस टेंस को past perfect tense कहते हैं. जबकि इस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसमें हैव तथा हैज का पार्ट हैड है क्योंकि इसमें हैव तथा हैज का पार्ट हैड है जो अपने आप में पास्ट भी है तथा परफेक्ट भी जो कि अपने आप में पास्ट भी है तथा परफेक्ट भी क्योंकि ठीक आगे भाग का तीसरा रूप है. हो गया. चलिए बेटा ये दोनों में अंतर समझ गए आप लोग. इसको क्या कहिएगा, पास्ट इंपरफेक्ट की पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट. क्यों? क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट क्या है? हैड है, जो कि अपने आप में पास्ट भी है तथा क्या परफेक्ट भी, क्योंकि ठीक आगे भाग का तीसरा रूप है. अरे क्लियर है. ये टेंस को क्या कैसा टेंस कहेंगे? पास्ट इंपरफेक्ट. और इसको कैसा कहेंगे? पास्ट परफेक्ट. अरे क्लियर है. आप प्लस यहाँ उठता है कि हम बोल सकते हैं बायां साइड कि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया. उस समय को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग ऑफ टाइम, अर्थात होल तथा सेंस, क्योंकि हैव और हैज रहेगा. अरे क्लियर है, तभी फोर और सेंस आएगा. और हैव और हैज नहीं है तो फोर और सेंस, यानी हैव और हैज का पार्ट क्या है? हैड है, तो आएगा आएगा ना. और इसमें नहीं आएगा. लिखिएगा इस टेंस का निर्माण, थोड़ा स्पीड में लिखिए इस टेंस का निर्माण. अरे उसी में यार N1 N2 ऐसे करके इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है. उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सेंस कहते हैं. इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है. उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सेंस कहते हैं. क्या समझे बेटा? इस टेंस का निर्माण किसको दर्शाने के लिए नहीं किया गया? टाइम को, समय को. उस समय को क्या कहिएगा? ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात क्या? फोर तथा क्या? सेंस, यानी उस समय को फोर तथा सेंस कहते हैं. वो साइड लिखेगा जबकि इस टेंस का निर्माण समय को दर्शाने के लिए किया गया है. उस समय को ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सिंस कहते हैं. आप फिर लिखवाएं कि इसमें फोर और सिंस नहीं आएगा, जबकि उसमें फोर और सिंस आएगा. लिखिएगा कि समझ जाइएगा, इतना ही से समझ जाइएगा. यानी इसमें नहीं यूज होगा. किसका यूज नहीं होगा बेटा? फोर और क्या? सेंस का. जबकि उसमें यूज होगा किसका? फोर और सेंस का. यानी इसमें कभी भी फोर और सिंस का प्रयोग नहीं होगा. जैसे लिखिएगा ही स्टेड इन बैंगलोर
He has stayed in Bangalore. He has stayed in Bangalore for 5 years. He has stayed in Bangalore for 5 years. Boundary line नहीं पार करिए, boundary line के अंदर रहिए. He has stayed in Bangalore for 5 years. He has stayed in Bangalore for क्या बाबू? 5 years. हो गया. क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर. ये फोर सेंस कब आएगा? जब यहाँ है बार, है होगा तो लास्ट में ऐसे काट दीजिएगा, यानी गलत है. सही क्या होगा? He had. यानी ये साइड गलत है, लेकिन ये साइड सही है. तो ये साइड क्या होगा? He had stayed in क्या? Bangalore for क्या? 5 years. He had stayed in Bangalore for 5 years. He had stayed in Bangalore for 5 years. यानी ये साइड गलत है और वो साइड सही है. जब एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ स्टेट रहेगा, तो इसको हेड स्टेट में परिवर्तन कर देंगे. क्लियर है? जब भी बातें होंगी किसका? समय का. समय यानी क्या? पूर्व सेंस का. अब जाकर घर को लॉक कर दीजिए दोनों साइड और अब लिखिए सेंटेंस. लिखेगा द टीचर, लिखेगा द टीचर टोल्ड मी दैट. थोड़ा स्पीड ला उठा. द टीचर टोल्ड मी दैट. द टीचर टोल्ड मी दैट. The teacher told me that he worked hard. He worked hard. The teacher told me that he worked hard. He worked hard in the company. In the company. In the company for 5 years. For 5 years. For 5 years. For five क्या years? क्या ये sentence सही है? Sentence सही है. क्या होगा बोलिए? He evolved होगा कि he had evolved होगा? He had evolved. उसको राउंड करिए. अरे उसको राउंड करिए जल्दी. समझ में आ गया? यानी फोर और सिंस कब आएगा? जब है और हैज होगा. अगर है और हैज नहीं है तो फोर और सिंस नहीं है. क्लियर है? समझ रहे बात को? क्लियर है? फोर और सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा बोलिएगा? जब है और यानी हैव और हैज का पार्ट है तब तो आएगा और नहीं तो नहीं आएगा. याद रखिएगा यार, कौन सी आता है परफेक्ट समय में? किस में आता है? परफेक्ट में. परफेक्ट समय में. और नहीं तो फिर फोर और सेम नहीं आएगा. ये दोनों में अंतर क्लियर हो गया? यस सर. यानी एक तो ये एनएवी बनेगा किसका? हेड और प्लस भी है बाल का कैमरो तीसरा. और दूसरा बेटा ये एनएवी बनेगा सब्जेक्ट प्लस वास या वर्ब प्लस बाल का कैमरो चौथा रूप. इसमें नहीं भी क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस क्या ऑब्जेक्ट में. बोलो ऐसा क्यों? इस संसार में जितना भी हैबिट है तो इस टेंस को भी हम हैबिचुअल टेंस कहेंगे. कौन सा टेंस? इसको. जैसे वी वन वी फाइव को मैंने क्या टेंस का नाम रखा था? हैबिचुअल. हैबिचुअल मतलब हैबिट. इस संसार का जितना भी हैबिट है, हैबिट मतलब क्या? आदत है. उसे हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखे वी वन और वी फाइव में. तो संसार का वैसा हैबिट जो पहले था अब नहीं है उसे हम कंटिन्यूअस में लिखेंगे कि V2 में. V2 में जैसे आई वाज स्मोकिंग सिगरेट क्या या स्मोक्ड होगा? आई हैव स्मोक्ड होगा. अरे क्लियर है? तो यहां थोड़ा सॉल्व करेंगे और वो वाला सभी से पलट दीजिएगा. ये लिखवाना पड़ेगा? लिखवाइए सर. ट्राई लिखवाएंगे. अब उतना ब्रेन नहीं है तो 2-3 साल लगेगा सिलेबस में. लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. फिर से लिखिए नीचे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. जल्दी करिए बेटा, एकदम बच्चा वाला दिमाग नहीं रखिए. थोड़ा स्पीड लिखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. वैसे अगर पढ़ाइएगा भी तो भाग जाएगा लड़का. बता देते एक ही चीज अगर पढ़ाते रहिएगा घुमा घुमा के तो भाग जाएगा. अरे क्लियर है ना? लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट. अरे क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? ताथा तिथि और क्या ते थे. लिखिएगा ताथा तिथि ते थे. ताथा तिथि ते थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ताता तिथि ते थे. लिखेगा लिखेगा इस टेंस को. लिखेगा इस टेंस को. लिखेगा इस टेंस को हम लोग हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं. इस टेंस को हम लोग हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं. इस टेंस को हम लोग हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं. इस टेंस को हम लोग हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं. हैबिचुअल का मतलब आदर. हैबिचुअल का मतलब क्या? आदर. इस टेंस को हम लोग हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं. अर्थात अर्थात जितने भी पास्ट हैबिट होगा, जितने भी पास्ट हैबिट होगा
जितने भी पास्ट हैबिट होगा, जितने भी पास्ट हैबिट होगा उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर, 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 उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर V2 में लिखा जाएगा। V2 में लिखा जाएगा, V2 मतलब समझ रहे ना कि फिर स्ट्रक्चर लिखवा रहे हैं। कोई ठीक है कहिएगा कि ये भी लिखवा दीजिए। चले समझ में आ गया। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, हैबिटुअल टेंस। फॉर शोइंग द पास्ट हैबिट वी मस्ट यूज सब्जेक्ट V2 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यानी जितने भी संसार में हैबिट है, कैसा हैबिट, प्रेजेंट की पास्ट, उसको जब भी लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। जैसे अगर हम बोले कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो पीना मेरा क्या है, आदत है। अरे गांजा पीना, भांग पीना, सब क्या है, हैबिट है। तो आई एम अ स्मोकिंग सिगरेट, नो आई स्मोक, कि आई अ स्मोक, आई अ स्मोक। तो सी वाज अ स्मोकिंग, सी अ स्मोक, सी अ स्मोक, सी अ स्मोक। अरे वह पीती होगी, अरे पीती थी अपने दोस्त के साथ, आप पीती होती नहीं, शादी ब्याह हो गया, टेंशन खत्म हो गया। अरे क्लियर है, कैसा है अभी पास्ट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट की पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, क्लियर है। तो मैं गांजा, गांजा पी रहा था कि पीता था, पीता था, पीता था, अरे क्लियर है। मैं सिगरेट पी रहा था कि पीता था, पीता था, और मैं सिगरेट पी रहा हूं कि पीता हूं, पीता हूं, अरे क्लियर है। जैसे लिखेगा राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट ही वाज a smoking, Ram told me that he was a smoking, Ram told me that he was a smoking with his friend, with his friend, with his friend in Gandhi Maidan, with his friend in Gandhi Maidan, with his friend in Gandhi Maidan, with his friend in kya? Gandhi Maidan. बोलिए बेटा क्या होगा, क्या होगा बोलिए। अरे he was a smoking, he has smoked, he has smoked, लिख लीजिए, क्लियर है। अच्छा सुनिए, हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे कि मनाते हैं, मनाते हैं, मनाते हैं, सॉरी मनाते हैं, मनाते हैं। अभी पास्ट चल रहा सर, इसका सेंटेंस पास्ट है तो बोल दीजिए। हां एकदम सही बात है, पास्ट चल जाए तो पूछो कर दीजिए। अरे समझ रहे हैं ना, जो सिस्टम हैबिटुअल था वो V1 और क्या V5 था। अरे क्लियर है। yes, हाँ ये बोल सकते हैं कि 3 दिन पहले हम लोग दुर्गा पूजा मनाए। yes, कि मना रहे थे, मनाए, मनाए, मनाए ना। yes, ये हो सकता है कि दुर्गा पूजा मनाया, मनाई जाती थी, नहीं मनाए, अच्छा मनाई जाती थी कि मनाई जाती है, मनाई जाती है, यानी अब ना मनाएगा। लेकिन संसार में कुछ ऐसे सिस्टम है, ऐसे रीति रिवाज है जो सदियों पहले था खत्म हो गया। जैसे हाँ सती प्रथा हो गया, जैसे मैं सती प्रथा, अरे क्लियर है ना। तो सती प्रथा में जो औरत जो होती थी उसको पति के साथ जला दिया जाता है। हाँ लिखेगा इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा, इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा, इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा, इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा, इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा जो सदियों पहले था, इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज या परंपरा जो सदियों पहले था लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, क्लियर है। वैसे चीजों को दर्शाने के लिए, वैसे चीजों को दर्शाने के लिए, वैसे चीजों को दर्शाने के लिए, वैसे चीजों को दर्शाने के लिए V1/V5 में ना लेकर, V1/V5 में ना लेकर
सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। जैसे मैं ये बोला था बेटा कि संसार में जितने भी यूनिवर्सल ग्रोथ है, ये संसार में जितने भी यूनिवर्सल ग्रोथ है, जो पहले था अब है और आगे भी रहेगा, ऐसे चीज को हम भीटू में ना लिखे, कहाँ लिखे, समझ में आ गया बात। ये संसार में कुछ ऐसे सिस्टम है या रीति रिवाज है जो सदियों पहले था अब नहीं है, और जो पहले भी था और अभी भी और आगे भी रहेगा, वो यूनिवर्सल ग्रोथ है। जैसे सूर्य जो है पश्चिम में उगती थी कि उगती है, उगती है, अरे उगती है ना, द सन अराइज होगा कि अराइजेज होगा, अराइजेज होगा, अभी बाबू जी कहते हैं, हम भी कहते हैं, वो भी कहे सूर्य पूर्व में उगती है, ये इन्वर्सर क्या है, पास्ट भी लिखेगा ना कि राम पूर्णमी दे सन अराइज्ड की दही, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रोथ कभी पास्ट नहीं होगा। और ये ठीक अपोजिट है जो पढ़ा रहे हैं कि ये ऐसा प्रथा है जो पहले था वो अब नहीं है, तो इसको अगर V1 V5 को लिखिएगा तो मामला वो चल जाएगा V2 में, समझ में आ गया। अरे आ गया, जैसे जिसका एक्टिव होगा उसी का पैसिव होगा, जैसे लिखेगा इस तरह से क्वेश्चन आता है, लिखेगा लिखेगा he told me that slash in the sati pratha a lot of women women a lot of women clear na were sorry are killed are burnt likhe are burnt likhe b o r n t are kya ho burnt with w i d h with their husband their t h i r wala their kya husband their husbands clear hai अरे अपना हस्बैंड बोल रहे हैं, अरे सभी का अपना हस्बैंड होगा, अरे सब लोग का ये कह के वो हस्बैंड होगा, इसलिए हस्बैंड लिखते हैं देयर, तो हस्बैंड के हस्बैंड होगा सर, हम हस्बैंड बोल रहे हैं, देयर मतलब ये लोग का हस्बैंड, तो ये लोग मतलब अलग अलग होंगे और सबका एक वो हस्बैंड होगा। अच्छा सबका एक था देयर ट्रू है सर, देयर का देयर होता ना, देयर फ्रेंड की देयर फ्रेंड्स, समझ रहे बात को, वो कंटेंट अलग है और ये कंटेंट अलग है, तुरंत चेक मार्क आ जाइएगा, यहाँ हस्बैंड का बात हो रहा है। हाँ सर, क्लियर है ना, समझे ना, देयर, अच्छा देयर फादर, अरे देयर हस्बैंड मतलब समझ रहे ना, बहुत सारी महिलाओं को उनको जला दिया जाता था, अरे क्लियर है, अपने अपने पतियों के साथ की पति के साथ अच्छा वहाँ आग लिखने का मन है, वहाँ वर होगा, क्यों भाई कैसी है, अरे फिर पैसे कितना दे वर दिख रहा है, पास्ट है सर, पास्ट हैबिट है, अगर प्रेजेंट में भी रहता ना किसी सेज दैट इन सती प्रथा लॉट ऑफ क्या वीमेन आर बर्न की वर बर्न अच्छा आर सोच रहे हैं क्या, नहीं सर, क्योंकि वो पहले जलाया जाता है, अभी हम कह सकते हैं ना, हाँ सर प्रेजेंट का पास्ट होता है, हाँ बिल्कुल सही, आपका दिमाग थोड़ा सा सही हो गया, अरे क्लियर है, चले बेटा, अरे क्लियर है,
समझ में आ गया। आप बोलिए मैं सोता हूँ, क्या बोले? आई स्लीप, मैं सोया, आई स्लीप, क्लियर है। और जितने भी वर्ड है जो हैबिचुअल है वह हमेशा गाली दे रही थी कि देती थी। अगर नहीं आप, अगर हम इसको एक एक झपड़ मार दिए इस लड़की को, जाकर कंप्लेन कर दी, नहीं सर हमारा मार दिए, हम इसे रोज के रोज बकवास कर रही थी, हमेशा ही हमसे बकवास कर रही थी कि बकवास करती थी। आज मुझे गुस्सा आ गया, हाथ चल गया। अरे समझ रहे, जितने भी हैबिचुअल वर्ड बताए हैं कौन कौन, ऑलवेज याद है, लिखेगा देखिएगा, जितने भी हैबिचुअल वर्ड हैं, सबसे तरह का लड़का रहता ना तो ऑटोमेटिक पकड़ लेता, जितने भी हैबिचुअल वर्ड हैं उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लिखकर वी टू में लिखा जाएगा, जितने भी हैबिचुअल वर्ड है उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर किस में, वी टू में लिखा जाएगा, जितने भी हैबिचुअल वर्ड है उसे कॉन्टिन्यूअस में ना लेकर वी टू में लिखा जाएगा। बस शॉर्ट करवा रहे बेटा कुछ दिक्कत। हाँ बोलिए, ऑलवेज का मतलब क्या, हमेशा, तो हमेशा मैं हमेशा झूठ बोल रहा हूँ कि बोलता था। मैं हमेशा झूठ बोल रहा हूँ कि बोलता हूँ और मैं हमेशा झूठ बोल रहा था कि बोलता था। तो ऑलवेज मतलब प्रेजेंट में रहेगा तब इवन और वी फाइव में, और पास्ट में रहेगा तब वी टू में। खोपड़ी काम कर रहा कि ना काम कर रहा सर, जैसे लिखेगा ऑलवेज नेवर ओकेजनली, ऑलवेज नेवर ओकेजनली सेल्डम, ऑलवेज नेवर ओकेजनली सेल्डम, ऑलवेज नेवर ओकेजनली सेल्डम, Every day, every night, once, twice, thrice, etc. कर दीजिए। विशेष जानकारी के लिए V1/V5 में पढ़ाए गए उन शब्दों पर ध्यान दें। अभी अभी नहीं लिखिएगा, etc. करके छोड़ दीजिए। विशेष जानकारी के लिए कहाँ ध्यान दें? अरे कहाँ ध्यान दे, V1 और क्या V5 में पढ़ाया है ना, अगर वहाँ क्लियर है तो ऑटोमेटिक क्लियर है, वहाँ गड़बड़ घोटाला है, यहाँ गड़बड़ घोटाला है, क्लियर है। चलिए आगे चलिए, लिखेगा राम, चलिए राम टोल्ड मी दैट सी वॉज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, राम टोल्ड मी दैट सी वॉज ऑलवेज टेलिंग अ लाई इन द क्लासरूम। सही की गलत? गलत क्या होगा? सी वॉज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, सी ऑलवेज टोल्ड, पक्का आप बोलिए every day है ना, she was going to London, went to London, पक्का? अरे क्लियर है, क्योंकि ये वर्ड कैसा है, habitual, और कुछ ऐसे शब्द है बेटा जिसका before संभव नहीं, कुछ ऐसे वर्ड है जिसका before संभव नहीं, और जिसका before संभव नहीं उसे continuous में नहीं कर भी लिखेंगे। जैसे आई वाज लविंग यू, आई लव यू, मैं प्यार कर रही थी कि करती थी, इसका मतलब टूट गया है, लिखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का भी कोई संभव नहीं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का भी कोई संभव नहीं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का भी संभव नहीं। उसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर V2 में लिखा जाएगा। उसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर V2 में लिखा जाएगा। वो शब्द को लिखें, लिखवाए है ना, वो शब्द को एग्जाम्पल में लिखें,
लिखें, हम बोले थे ना कि याद करके आइए लॉन्ग शब्द, याद है लॉन्ग शब्द को लिखें। अब पीछे क्या देखता है, पीछे क्या देखता है, लिखो, बोले थे ना याद करके आने के लिए, लिखिए। पीछे लोग भी देंगे ज़्यादा ध्यान देने, ज़्यादा पढ़ने के लिए पीछे देखें। लव लाइक, देखिए लव लाइक हेट, लेकिन डिजायर हाँ फॉलो कल पढ़ाया आधे याद ना है तो परसों का रहेगा, ईटीसी कर दीजिए। विशेष जानकारी के लिए जिस पर धक्का लगा तक रूमों पर जाके देख के उतारिएगा, जब तक धक्का नहीं लगेगा वो सही नहीं होगा। मजाक नहीं बोल रहे हैं, लिखेगा सी, लिखेगा सी टोल्ड मी दैट, लिखे बेटा बेटा सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी वॉज रिमेम्बरिंग मी, सी वॉज रिमेम्बरिंग मी एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट, सी वॉज रिमेम्बरिंग मी एट नाइट, ये गलत हो जाएगा, सी वॉज रिमेम्बरिंग नहीं, सी रिमेम्बर्ड होगा। अरे याद रहेगा, रहेगा कि नहीं, ये आपका क्या हो गया वी टू, याद रहेगा बेटा। आई वॉज लविंग यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इन दोनों शब्दों को रख लीजिए, नहीं तो इसका एक्टिव पैसिव आपकी मिलान करेंगे, कि कौन एक्टिव पैसिव में चल जाएगा और कौन पैसिव, नहीं कुछ समझ में आएगा, क्लीन बोर्ड हो जाइएगा। इसका नाम अंग्रेजी है, अरे क्लियर है, जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट दिख रहा। हम क्या बोले कि इतना खाइए, इतना खाने के लिए नहीं सोचिए, इतना खाइए लेकिन उसको पी जाइए, अरे बात समझ रहे ना, ताकि वो हमसे छूटे नहीं, ठीक है। जैसे हाईकोर्ट का अभी पढ़ाए थे क्रैश कोर्स, बहुत क्वेश्चन लड़ा है, हमको उसका आंसर की देगा तो लगता है ये सब का भीम भीम दिया है क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन लगता है भीम भीम दिया है टाइम का, क्या कै गो टाइम एग्जाम हुआ है, ना तीन चार से सबका क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ वो लड़की है ना जो दोनों चीज़ें मुस्कुराती थी, कल ना क्वेश्चन दिखा रही थी कि सर देखिए ना आप जो पढ़ाए थे ना स्टेट मैच कर गया है, हम कहेंगे प्रीपोजिशन का तो सर के सर टकरा गया है, तुम्हारा पूछा कब प्रीपोजिशन जी, पूछा कि टाइम में नहीं रहा। चलिए समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं ताथा तिथि और तेथे, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऑक्सफोर्ड एक और कंटेंट दिया इसके बारे में कि दो बार जैसे विल का रिपीट होने से एक बार वी वन और वी फाइव, देखिएगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, नोट बनाइए, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार, कि दो बार लगातार, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार लगातार वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार लगातार वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार वीटू का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार लगातार वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार वीटू का प्रयोग किया जाता है, और जब भी रिपीट हो तो पहला गलत काटिए। अरे क्लियर है,
और इफ रहे तो इफ वाला में उड़ाइए, क्योंकि इफ में मॉडल वर्ब नहीं होता है, क्लियर है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार गुड गुड की रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार वी टू का प्रयोग किया जाता है। अरे क्लियर है। yes, जैसे लिखेगा इफ, लिखेगा इफ आई वुड, इफ आई वुड गो टू दिल्ली, 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 आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, इफ आई वुड गो टू दिल्ली आई वुड मीट यू, इफ आई वुड गो टू दिल्ली आई वुड मीट यू, If I would go to Delhi, I would meet you. बोलिए। ये वाला में if वाला भाग में would कोड़ा दीजिए। क्या हो जाएगा? If I went to Delhi, clear है। यदि मैं कहाँ जाऊँगा? Delhi जाऊँगा, तो मैं आपसे मिलूँगा। clear है। तमाम आ गया। घड़ी में ठीक 4 बजा है। आप लोग जा सकते हैं। देख लीजिए। सारे। नहीं पता चला time। ठीक है, फिर उधर से ठक ठक करेगा।